क्या रोज इतने ही बच्चे आते हैं आप लोग? सारे बच्चे आते हैं ना? तो टीचर्स होने चाहिए आपके, नहीं होने चाहिए? टीचर नहीं होने से पढ़ाई में दिक्कत होती है? एक व्यक्ति आखिर कितनी मेहनत कर सकता है, और डिपार्टमेंट को भी ये सोचना होगा कि एक व्यक्ति से आखिर आप कितनी मेहनत करवा सकते हैं। पढ़ाई भी नहीं होती यहाँ पे, सब मैम दो ही हैं खाली यहाँ पर बस, और लेकिन मैम सर तो बहुत अच्छे हैं और कोई आगे तो बहुत अच्छा होगा। और बिना अध्यापक के ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? सरकार ये कहती है कि सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा प्रदान करने के लिए तमाम सारे सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट और बड़े छोटे स्कूल मौजूद हैं, लेकिन ये बराबरी कैसे हो सकती है? नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ भदईपुरा के प्राथमिक विद्यालय में, और इस विद्यालय की आज हम विजिट करेंगे। विद्यालय के अंदर सारी सुविधाएँ मौजूद हैं, लेकिन क्लासरूम में अध्यापक नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालय भदईपुरा की ये क्लासें हैं, और इन क्लासों के अंदर की स्थिति हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये कक्षा दो है, और हमको देखकर सारे बच्चे शांत हो गए हैं। यहाँ बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इधर आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह भी पूरी तरीके से तैयार हैं। बावजूद उसके सबसे बड़ी जो कमी है वो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी है। उपस्थिति 60% से लेकर 70% तक बच्चों की रहती है, लेकिन टीचर ना होने की वजह से, क्योंकि जगदीश सर एक क्लास में जाएंगे तो दूसरी क्लास निश्चित तौर पर खाली रहेगी। ये क्लास कौन सी है बेटा? फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं? टीचर हैं आपके यहाँ? टीचर नहीं, दो तीन टीचर हैं। अच्छा, दो तीन टीचर हैं। जी सर। तो आप लोग आपस में भी पढ़ा लेते हैं एक दूसरे को? जी सर। है शांत रहते हैं सारे बच्चे? यस सर। शांत रहते हैं? यस। टीचर्स नहीं है तो कैसे पढ़ते होंगे आप लोग? दीदी पढ़ाती है। हैं? दीदी लोग पढ़ाती। जो बड़ी क्लास की दीदी है? हाँ। वो पढ़ाती हैं। तो पढ़ाई आपकी ठीक से हो पाती है कि नहीं हो पाती? हाँ। है? हो जाती है। हाँ। खाना कैसा मिलता है यहाँ पे? बढ़िया। बढ़िया मिलता है, तो भोजन की व्यवस्था ठीक है, भोजन माताओं की ओर से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम यही बता रहे हैं कि सरकार एक और कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन जहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ क्यों नहीं टीचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं? ये कक्षा 5 है, और कक्षा 5 में जो मैडम हैं वो अजीतपुर से यहाँ पर अटैच की गई हैं, और कक्षा 5 के बच्चे ये बैठे हुए हैं। देखिए पूरी क्लास खचाखच भरी हुई है, सब चार्ट बच्चों की एजुकेशन से संबंधित लगे हुए हैं। एक क्लासरूम जिस तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए वो पूरी तरीके से व्यवस्थित है। कुछ बड़े बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। टीचर हैं आपके या नहीं हैं? नहीं है। नहीं है? कितने टीचर हैं? दो। दो टीचर हैं, तो पढ़ाई कैसे होती होगी आपकी? सही नहीं होती। कैसी होती पढ़ाई आपकी? तब भी सही होती है, हमारे दो सर हैं तब भी सही होती है, हमें काम दे के कुछ चले जाते तब भी हम कर लेते हैं। अपनी बात बताइए, टीचर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? यस सर। हैं? यस सर। तो टीचर ना होने की वजह से दिक्कत होती है ना? यस सर। खड़े हो जाइए आप। हाँ बताइए, क्या क्या दिक्कत होती है आपको? पढ़ाई भी नहीं होती यहाँ पे, सब मैम दो ही हैं खाली यहाँ पर बस, और लेकिन मैम सर तो बहुत अच्छे हैं और कोई आगे तो बहुत अच्छा होगा। टीचर कब से नहीं है आपके यहाँ? हमें तो बहुत महीने हो गए जब से आए नहीं, अभी कोई मैम आई है बस खाली। मैम आप कब से यहाँ पर पढ़ा रही हैं? मैं अभी 10 तारीख तक मैं यहाँ हूँ, 10 अक्टूबर तक यहाँ हूँ। तो 10 तारीख तक है मैम, 10 अक्टूबर तक मौजूद हैं, उसके बाद जगदीश सर अकेले रह जाएंगे, और इतने सारे बच्चे, ये 5th क्लास है। क्या रोज इतने ही बच्चे आते हैं आप लोग? सारे बच्चे आते हैं ना? हमारे स्कूल में टीचर्स आना चाहिए। तो टीचर ना होने से पढ़ाई दिक्कत होती है ना? यस सर। तो ये छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके भविष्य का क्या होगा। सरकार की बातें अपनी जगह हैं, और जो डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग हमारा, उसको सोचना होगा कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है टीचर्स नहीं हैं। इस तरीके से प्रधानाचार्य महोदय दौड़ते रहते हैं, कभी इस क्लास कभी उस क्लास। ये कक्षा 4 है, और 4 में भी उपस्थिति देखिए, ये कक्षा 4 है, और ये ऑडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सुनिए। वो रसोई घर की तरफ चला। तो ये टीचर्स की कमी को एक तरीके से पूरा तो करता है,
क्योंकि कहानियाँ पढ़ाई जा रही हैं और इस क्लासरूम में भी उपस्थिति देख लीजिए, पर्याप्त तो उपस्थिति है लेकिन अध्यापक नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। मुझे ये बताया गया कि कक्षा एक में 43 बच्चे हैं, कक्षा दो में 89 बच्चे हैं, कक्षा तीन में 137 बच्चे हैं, कक्षा चार में 119 बच्चे हैं और कक्षा पाँच में 114 बच्चे हैं। 60-70% तक उपस्थिति रहती है और मानकों के हिसाब से आप अगर देखेंगे कम से कम 10 अध्यापक होने चाहिए। कौन सी क्लास है ये आपकी? देखिए ये कक्षा तीन है और कक्षा तीन में भी पूरी उपस्थिति है, हर डेस्क पर तीन तीन चार चार बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। एक बच्चा है जिसको सर ने लगा दिया है और वो मैथमेटिक्स के सवाल बच्चों को हल करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। व्यवस्था देखिए स्कूल में, व्यवस्थाओं के नाम पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, ये अपनी बात को कह नहीं सकते लेकिन ये देश का भविष्य हैं और ये भविष्य आखिर कैसे सुधरेगा ये सरकार को सोचना चाहिए। दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं एजुकेशन के लिए और प्राथमिक शिक्षा का हाल आप देख सकते हैं। ये रुद्रपुर ब्लॉक के अंदर भदईपुरा का प्राथमिक विद्यालय है और बड़ी संख्या में बच्चे होने के बावजूद भी यहाँ पर टीचर्स मौजूद नहीं हैं। आखिर इन 502 बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये कि भदईपुरा के स्कूल में पिछले 6 महीने से मात्र एक अध्यापक हैं, एक मैडम जो आई हैं वो एक महीने के लिए आई थी, 10 तारीख को चली जाएंगी, उसके बाद इन 502 बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और बिना अध्यापक के ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। एक और हमारी सरकार विश्वगुरु होने का दावा करती है लेकिन जिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं उनके भविष्य की स्थिति यह है कि इनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर यहाँ पर मौजूद नहीं है और विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। आप क्या कर रहे हैं बेटा? मैथ के सवाल कर रहे हैं। तो आप बच्चों को करके बता देते हैं? हैं? हाँ। तो बच्चे शांत रखते हैं आप बच्चों को? टीचर होने चाहिए नहीं होने चाहिए आपके स्कूल में? होने चाहिए। तो देखिए ये बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। जगदीश उपाध्याय जी हैं जो यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं और पूरे विद्यालय की बागडोर आपके हाथ में ही है। एक अकेले अध्यापक हैं जो बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ बच्चों के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। 502 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। सर क्या स्थिति है इस समय विद्यालय के अंदर ये बताइए। विद्यालय में नामांकित छात्र 502 हैं जी। अभी अप्रैल से पहले हमारे वहाँ शिक्षक थे, व्यवस्थाएं ख़त्म होने के बाद इस शिक्षक जो हैं अपने अपने विद्यालयों को चले गए। इसलिए मैंने हमारे कुछ इस क्षेत्र के अभिभावकों द्वारा अधिकारियों से बात की गई तो उस उपलक्ष्य में पिछले एक माह से यहाँ पे लगातार टीचर एक व्यवस्था पे है। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बहुत बात की बात है, उनको व्यवस्थित करना, बैठाना, शांत करना, माहौल बनाना शिक्षा का, यही बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए। हाँ चैलेंज तो है लेकिन जितना भी हो सकता है उससे कोशिश की जाती है। कुछ मॉनिटर बना रखे हैं, वो बच्चे छोटे बच्चों को देख लेते हैं, काम देने के बाद वो कंटिन्यू करते रहते हैं और बड़ी क्लास में अपने आप धीरे धीरे एक करके क्लास में जाकर उनको थोड़ा थोड़ा काम रूटीन में पढ़ाई कराई जाती है जी। इसके अलावा मिड डे मील की व्यवस्था है और जो आपके प्रशासनिक विभागीय डाक वगैरह की व्यवस्था है वो सारी चीज़ें भी आप ही देखते हैं? वो सब भी करना ही पड़ता है। प्रधानाचार्य का कार्य भी आप देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य का कार्य भी जगदीश सर देख रहे हैं, अध्यापक का कार्य भी जगदीश सर देख रहे हैं, एक व्यवस्थापक का कार्य भी जगदीश सर देख रहे हैं, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, वो काम भी आप देख रहे हैं और मिड डे मील की व्यवस्था भी जगदीश जी देख रहे हैं। एक व्यक्ति आखिर कितनी मेहनत कर सकता है और डिपार्टमेंट को भी ये सोचना होगा कि एक व्यक्ति से आखिर आप कितनी मेहनत करवा सकते हैं। ये जो हो हल्ला आप देख रहे हैं एक अध्यापक के बस की बात नहीं है कि सारी व्यवस्थाओं को वो दुरुस्त कर सके क्योंकि एक क्लास से जब वो दूसरी क्लास में जाते हैं तो डिस्टर्बेंस होना लाजमी है और पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ हो रहा है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और संबंधित विभाग को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, सरकार को भदईपुरा प्राथमिक पाठशाला के अंदर तत्काल प्रभाव से नए अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
एक पिछड़े इलाके में ये विद्यालय है। गरीबी के कारण यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, सरकारी स्कूल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो आप इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की पोल रुद्रपुर के भदईपुरा प्राथमिक विद्यालय में आकर खुल जाती है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।